अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। टुडे आई हैव अनदर ड्रेस बाय मुजलिन, मुजलिन बाय सना सफीनास, और ये इसका कोड है 17B, टू पीस है ये और हमारे पास स्टिच्ड है। सो लेट मी शो यू, और ये देखने के बाद अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी सारी वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहें। अच्छा, हमने मुस्लिम के इस बार के कुछ सूट्स में, एक क्लाइंट के सूट्स में कुछ चेंजेस की हैं। ये इस कलेक्शन के कुछ सूट की वीडियोज़ आपने पहले भी देखी होंगी, तो मैंने मैंशन किया था कि हमारी क्लाइंट को जो है वो बहुत ज़्यादा हैंगिंग स्टफ़ नहीं चाहिए था, तो इसलिए वी ट्राइड टू क्रिएट सेम लुक, बट जो जो चीज़ें नहीं चाहिए थी वो नहीं ऐड किए। सबसे पहले तो ये जो है, अच्छा इसका कलर मैं क्लियर कर दूँ, इसका कलर जो है पिक्चर में वाइट लग रहा है बट ये वाइट नहीं है, ये एश ग्रे टाइप का कलर है, बहुत लाइट शेड है ग्रे का, बट ग्रे है नॉट वाइट। इसकी ये लेसेस इसके साथ इंक्लूड नहीं थी, यहाँ पर जो है लेस लगी हुई, तो हमने लकीली हमें कुछ सिमिलर सी लेस मिल गई, ये यहाँ पे लगा दी, और फिर टू लेयर्स लगी हुई दामन पर, तो ये भी लेसेस हमने वाइट लेकर डाई करवाई हैं, थोड़ा सा ग्रे की तरफ शेड है तो वाइट नहीं चल सकता था, और फिर ये लाइट कलर है, सी थ्रू था, तो हमने इसके अंदर ग्रिप लाइनिंग भी लगाई है, और ये सब प्रिंट है। इसका गला जो है वो एम्ब्रॉयडर्ड है, गला इसके साथ एप्लिक किया है, ये एप्लिक हुआ है, और इसके अंदर वाली साइड जो है ये पतली सी लेस लगाई है जो दामन के अपर साइड पर है, बाकी गला काफ़ी बड़ा सा है, शोल्डर तक जो है ये सब एम्ब्रॉयडरी है। बस स्लीव्स जो हैं प्रिंटेड स्लीव्स हैं, इसमें कुछ एम्ब्रॉयडरी नहीं है, और स्लीव्स के एजेस पर भी हमने पतली सी लेस लगाई है, उसकी स्लीव्स थोड़ी सी डिफरेंट स्टाइल की बनी हुई है, बट हमारी क्लाइंट को थोड़ी सिंपल चाहिए थी तो हमने उनको ओपन नहीं किया। बैक पे भी जो है इसका सब प्रिंट है, और बैक के सिर्फ दामन के लास्ट एज वाला जो है बॉर्डर हमने ऐड किया है, ऊपर साइड पे नहीं ऑर्डर वो ऐड किया, बाकी ये सारा जो है प्रिंट है। ये प्लीट्स इसलिए डालते हैं कि जिनका कमर साइज़ कम होता है चेस्ट और हिप से, तो ये प्लीट्स डालने से फिटिंग अच्छी आती है, तो हम इसके बैक पे प्लीट्स डाल देते हैं, और ये शोल्डर पे जो बंच आ रहा है तो ओवरऑल बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है लाइट एंड डार्क का, एंड ब्लू एंड लाइट ग्रे या वाइट इस तरह से जो है ये बड़ा अच्छा लगता है। सो इसकी शर्ट है, और लाइनिंग मैं आपको दिखा दूँ, ये लाइनिंग है, पिक्चर में शायद वाइट लग रही हो बट वाइट नहीं है, वाइट से थोड़ा सा नॉट एग्जैक्टली ग्रे बट थोड़ा सा डल है, ऑफ वाइट भी नहीं है, थोड़ा सा ग्रे का ही शेड है, तो इसके अंदर हमने लाइनिंग लगाई क्योंकि लाइट कलर तो वैसे सी थ्रू होते हैं। उसके बाद इसकी सॉरी एक्चुअली फोल्ड किए हुए रखे हुए थे तो जो है धागे इस पे नज़र आ रहे हैं। अच्छा, इसकी पैंट है ये, और पैंट में भी लाइनिंग लगाई, मैं अक्सर बताती हूँ कि एक तो लाइनिंग लगाने से ये इसका जो है लुक बड़ा अच्छा आता है, खड़ा खड़ा सा लुक आता है, क्रीज़ बहुत अच्छी बन जाती है, और सेकंड ये कि जो लाइट कलर्स होते हैं तो वो फिर सी थ्रू नहीं रहते, जो हिजाबी क्लाइंट्स हैं स्पेशली वो नहीं पसंद करते कि सी थ्रू पैंट्स हों, तो लाइट कलर्स में तो हम लाजमी लगाते हैं। इसका दुपट्टा है, और दुपट्टा बड़ा खूबसूरत सा है, शिफॉन है, ये प्योर शिफॉन तो नहीं है बट अच्छी क्वालिटी है शिफॉन की, प्योर क्रिंकल शिफॉन नहीं है, लेकिन इसका प्रिंट बहुत अच्छा है, मुझे पर्सनली दुपट्टा बहुत अच्छा लगा, ओवरऑल ड्रेस भी बहुत अच्छा लगा। मैं मुस्लिम के सूट्स की कम ही तारीफ़ करती हूँ बट ये कलर्स वगैरह बहुत अच्छे हैं इनके, इसके दुपट्टे का ब्लू के दो तीन शेड्स हैं, लाइट एंड डार्क, और इस बीच में बेज भी है, तो ये दुपट्टा प्रिंटेड है और बहुत अच्छा लगा मुझे। अच्छा, दुपट्टे के एजेस पर हमने लेस लगा दी क्योंकि पिक्चर में जो है वो कुछ और हैंगिंग स्टफ़ लगा हुआ है जो हमारे क्लाइंट को नहीं चाहिए था, तो इसलिए हमने जो है इस पर सिर्फ लेस लगा दी ताकि ये थोड़ा सा थोड़ा फैंसी लुक भी लगे और जो क्लाइंट को नहीं पसंद वो भी ना हो, और ब्लू कलर की ही हमने इनसाइड पाइपिंग लगाई है। सो ये है कंप्लीट ड्रेस, हमें प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी आपको, और इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और पॉसिबल हो तो हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।